सफीदों में आज उम्मीद चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा कंबल वितरण समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुभाष गांगुली, जिसे फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और वहां पर स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। सुभाष गांगुली ने खुद अपने हाथों से गरीब लोगों को कंबल बांटे। इस मौके पर उन्होंने खुद इस संस्था की खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह संस्था समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है और दूसरे लोगों को भी इस संस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। पूरा कार्यक्रम क्या रहा, क्या उन्होंने कहा, आइए हम स्वयं जानते हैं। उम्मीद चैरिटेबल फाउंडेशन तो आज का कंबल समारोह की बात नहीं है, ये फाउंडेशन हमेशा आदमी के भलाई के काम करता रहता है और आज इन्होंने मुझे यहाँ इस समारोह में बुलाया, इस बात के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात के लिए बधाई कि ऐसे गरीब आदमियों की जो ये सहायता जो इन्होंने की कि ऐसे कड़ाके की सर्दी में जो गरीब आदमी सर्दी में ठिठुर रहा था उसको जो कंबल देकर एक उनकी जो सुरक्षा जो सर्दी से जो सुरक्षा की उसके लिए महंत सतीश दास जी का बहुत बहुत इनको बधाइयाँ, इनको धन्यवाद। और इस प्रकार के जो भी काम ये आगे करते रहेंगे उनमें जब जब भी मुझे किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए बुलाएंगे मैं इनके सामने हमेशा हाजिर रहूँगा ताकि ये इस प्रकार के सामाजिक कार्य आगे भी बढ़ चढ़ कर करें। इस उम्मीद के साथ मैं इनको विश्वास दिलवाता हूँ कि मेरे विधायक रहते हुए आप जब भी मुझे बुलाएंगे या वैसे भी जब भी किसी भी सामाजिक समारोह में आप बुलाएंगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, यही बात है। जन सेवा और समाज सेवा ही हमारा एक मेन उद्देश्य है। इसमें तो सर पता क्या है, फायदा ही फायदा होता है। जैसे ठंड है कड़ाके की और इनकी कम्बल ओढ़ेंगे तो इनको फायदा ही तो फायदा है।